आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई। और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से।